सर आपकी एक फरमाइश आई है, ये भी रफी साहब का गाया हुआ गीत है। इस फिल्म का नाम था जीने की राह। इस गाने के लिए भी अर्ज करूं, एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर ने गाना कंपोज किया रफी साहब ने। उनके पेरेंट्स का तलब चकवाल से था, वो यहाँ के रहने वाले थे। मदन मोहन तो उस वक्त बहुत छोटे थे। राय बहादुर वो पार्टीशन से पहले इंडिया चले गए और वहां जाके उन्होंने फिर वहां जाकर उन्होंने बहुत बड़ा फिल्म का स्टूडियो बनाया मदन मोहन के वालिद ने। एक आध गाना लता जी के साथ उन्होंने गाया भी, लेकिन उसके बाद कंपोजिशन की, लेकिन उनका रंग सबसे अलग था। ये वो गाना जिसकी आपने फरमाइश की है, ये वो दौर था जब रफी साहब डिप्रेस हो गए तो उनको काम नहीं मिल रहा था। शंकर जयकिशन और राज कपूर इन्होंने एक बनाई थी, ग्रुप बनाया और उसमें मुकेश साहब को ज्यादा गाने दिए हैं। रफी साहब को काम नहीं मिल रहा था। फिर मदन मोहन ने सोचा कि इतना बड़ा सिंगर डिप्रेस हो रहा है, उन्होंने गाना बनाया। फिर रफी साहब ने इस गाने के बाद पीछे मुड़ते नहीं देखे। ये वो गाना जिसकी फरमाइश है। अचानक आप लोगों की इस मोहब्बत के पेश नजर मेरे सामने ये गीत आ गया। मैं जवाब अर्ज कर रहा हूँ कि आप जितना अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसके लिए मैं यही कह सकता हूँ। किया है जो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदम में दिल नजर भूल कर लो, भूल कर लो, किया है तो हाल
तो बड़ी काली माना रख दिया कदमों में दिल नजराना तू भूल गए हाय हाय तू भूल गए तेरी हंसी है देखो ये फिजाएं ये नजारे छोटी सी ये महफिल तेरी हंसी है कैसे जाने दूं मैं कुछ हो जाने वाले मेरा दिल मेरे बस आएगा ना रख दिया कदमों में रख दिया कदमों में नजरा